दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा, ऑप्टिमिस्ट ब्लॉगर्स, आपको आज ले चलेंगे राजस्थान के हसीन वादियों में। यहाँ पे तनोट माता का मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, काफ़ी विख्यात मंदिर है। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब पाकिस्तान की तरफ से गोले बरसाए गए थे, गोले दागे गए थे, वो यहाँ पे माता की शक्ति के कारण डिफ्यूज हो गए थे, मतलब जिंदा बम हम जिनको कह सकते हैं वो थे। तो अभी भी वो बम जो है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम ले चलेंगे अभी आपको सीधे तनोट माता मंदिर, जैसलमेर राजस्थान में। मेरे साथ हैं मेरे भाई गगनदीप जी, बच्चा पार्टी। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपकी प्लानिंग हो रही है कि 2021 में आप यहाँ पे आना चाहें तो अभी थोड़ा सा इसको डिले करिए। वैसे भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो सबसे बढ़िया जो है जगह यहाँ पे तनोट माता का मंदिर जो है, हम आपको लेके चलेंगे अभी। और कहा जाता है इसकी शक्ति की महिमा जो है अपार है, इसका कोई सीमा नहीं है, और यहाँ पे हर इच्छा जो है वो पूरी होती है। जो भी यहाँ पे मांगा जाता है माता रानी से, वो माता जो है अपने भक्तों को निराश नहीं करती, वो ज़रूर पूरी होती है। और जो एक बार यहाँ पे मांग के जाते हैं, वो दोबारा मुराद पूरी होने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम जाएंगे सीधे तनोट माता मंदिर, ले चलेंगे आपको सीधे तनोट माता मंदिर दोस्तों। सफ़र लंबा है, रास्ता ख़राब है, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत। माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं तनोट माता, जो कि बहुत ही विख्यात है यहाँ पे। तनोट माता के नाम से जो है लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं माता के आगे, और वो पूर्ण की जाती है माता द्वारा। कुछ लोग जो हैं दर्शन करके वापस आ रहे हैं। सिग्नल बहुत ज़्यादा पीक है, सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब जाके साफ रास्ता आया है, और यहाँ से एग्जैक्ट 15 किलोमीटर है माता का दरबार, माता का मंदिर, तनोट माता का मंदिर। कुछ ही पलों में हम तनोट माता मंदिर में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम लोग अभी तनोट माता मंदिर के पास हम पहुंच गए हैं। बस 2 किलोमीटर शेष बचे हैं, 2 किलोमीटर के बाद हम माता के दरबार में होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर में। वो सामने दिख रहा है माता का मंदिर, तो हम बस अभी दर्शन के लिए जाएंगे। Road, turn right, then you arrive at your destination. तनोट माता मंदिर एक अच्छी लोकेशन है दोस्तों, यहाँ पे बनाई हुई माता के मंदिर में जाने के लिए काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी हम देखेंगे तनोट माता मंदिर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लोंगे वाला भी इधर 38 किलोमीटर यहाँ बता रहे हैं, किशनगढ़ भी इस तरफ है। अभी हम पहुँचेंगे सीधे तनोट माता मंदिर में दोस्तों। तो ये पहुँच गए हम माता के मंदिर के बाहर परिसर में। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। ये रही हमारी गाड़ी, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। इसके बाद हम जाएंगे माता के मंदिर के अंदर। तब से मंदिर है 847 में तनोटगढ़ की नींव रखी गई तथा 1888 में तनोट दुर्ग मंदिर की प्रतिष्ठा कराई गई थी, है ना। 3000 गोले लिखे गए अभी, 3000 बम बरसाए, 1450 गोला मंदिर की परिसर में गया, किंतु मंदिर की खुराक तक भी नहीं आई।
इसी प्रकार 1971 भारत का युद्ध सैकड़ों टैंक और गाड़ियाँ भारतीय फौज में दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि बता रहे हैं कि लगभग 3000 बम गोले बरसाए गए थे पाकिस्तान से, जिसमें 1350 बम गोले जो है मंदिर के परिसर में पड़े, लेकिन मंदिर को खरोच तक नहीं आई। आगे देखते हैं क्या क्या है मंदिर में। मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पे मिलिट्री के बीएसएफ के दिए हुए हैं कि किस किस तरह से उन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त की और किस किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए मर मिटने का। एक बड़ा हॉल यहाँ पे बैठने के लिए, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मंदिर है ये बीएसएफ के अंडर आता है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके अंडर आता है दोस्तों। तो ये है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। अभी दर्शन के लिए चलेंगे, पहले इस हॉल का आपको थोड़ा बता दूं, ये एक हॉल है, यहाँ पे लोग अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, सारे लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है मंदिर परिसर में। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं ये मंदिर परिसर में। सबसे पहले ये जो मंदिर के बिल्कुल सामने पीर बाबा की दरगाह है, ये मंदिर के बिल्कुल सामने बनाया गया है। ये दान पत्र है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। ये मंदिर के अंदर का परिसर, श्री हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे, मंदिर के अंदर फोटो वगैरह की। तो ये मंदिर के अंदर का चित्र, हम पूछ रहे थे कि यहाँ से अंदर कैमरा ले जाना अलाउ है कि नहीं है, तो कैमरा यहाँ से अंदर ले जाना बिल्कुल अलाउ है दोस्तों। तो ये है हमारा माता जी का मंदिर, तनोट राय माता जी का मंदिर। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे माता के दर्शनों के लिए आए हुए हैं, अब हम भी जो है माता के दर्शन यहाँ पे करेंगे। ये देखेंगे यहाँ से आप लोग पंक्ति में लाइन में लग के माता के शुभ रूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप माता के दर्शनों के लिए खड़े हो सकते हैं दोस्तों। कैमरा के थ्रू आप माता के दर्शन करिए। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा परिसर है। यज्ञ के लिए हवन कुंड यहाँ पे बनाया गया है। ये पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया है, जो कोई ठंडा पानी यहाँ से पीना चाहता है आरओ का, वो यहाँ से पी सकता है, बिल्कुल मंदिर के सामने है। ₹2005 में इसका ये गेट जो बना है इसका निर्माण किया था। ये है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर।
ये मंदिर परिसर है, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो हॉल है ये लोगों के यात्रियों के लिए बैठने के लिए है, यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत सारे राजस्थानी लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर में माता के दर्शन के लिए। तो दोस्तों सामने एंटर करते ही हमें सबसे पहले हमारे ध्वज के दर्शन होंगे, राष्ट्र ध्वज के, तिरंगे के दर्शन होंगे। और दोस्तों एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है ये अभी भी BSF के अंडर है। इसमें जो आरती की जाती है शाम को वो BSF के जवान करते हैं, और कहा जाता है कि बहुत ही भव्य आरती करते हैं और आरती देखने लायक होती है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके थ्रू आपको हम बताएं कि किस किस तरह से आपने तनोट माता मंदिर में आना है।